गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पलर सी एच पर। फ्रेंड्स जो जानगल्स वर्दी का एक फेमस ड्रामा जो नाम है द सिल्वर बॉक्स, उस पर बेस्ड कुछ वन लाइनर हम लोग देख चुके थे। ये उसका सेकेंड पार्ट है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। फ्रेंड्स हाउ मिसेज जोन्स कम टू नो दैट हर हस्बैंड हैज स्टोलन द पर्स एंड सिल्वर बॉक्स, यानी कैसे मिसेज जोन्स जो हैं जान जाती हैं कि उसके हस्बैंड ही ने उस पर्स को और सिल्वर बॉक्स को चुराया है। कैसे? तो कह रहे हैं व्हेन द लैंडलेडी कम्स फॉर द रेंट, जैसे ही उसकी मकान मालकिन जब आती है किराया मांगने, जोन्स अनएक्सपेक्टेडली मीन्स होता है उम्मीद के विपरीत, थ्रो मीन्स बोल देता है अपनी वाइफ को क्या करने के लिए, प्रभुता दे देता है, सॉवरेन मीन्स होता है पूरी मालिकाना जो बोलते हैं ना, दे देता है चुकाने के लिए कि आप जाओ मैंने रखा है वहाँ चुका दो। मिसेस जोन्स इज अपाल्ड, बहुत ही अपाल टाइप का हो जाती हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाती हैं, टू फाइंड ही हैज ए पर्स, और कि उसके पास एक पर्स है एंड द मिसिंग सिगरेट बॉक्स, और उसके पास जो गायब पर्स और सिगरेट बॉक्स है, इसके वजह से वो जान जाती हैं कि जो चोरी किया गया है वो मिस्टर जोन्स ने ही किया है, अर्थात मिसेस जोन्स के हस्बैंड ने ही किया है। आगे बढ़ते हैं। Who says I am no thief, I am no worse than what that young Barthwick, he brought home that purse I picked up, the lady first had it off her in row, kept saying he had scored off, well I scored him off, and do you think anything will happen to him? ये बात बोला है पूरा मिस्टर जोन्स ने, और स्टेटमेंट है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं बुरा भी नहीं हूँ, किसके अपेक्षा? उस Barthwick के अपेक्षा। ही ब्रॉट होम दैट पर्स, उस पर्स को उसने घर लाया था, मैंने सिर्फ उसे क्या किया, उठा लिया उस लेडी पर्स को अपने पास रख दिया, एंड इट ऑफ हर इन रो, और उसे एक पंक्ति में रख दिया, कीप टू सेइंग, और यह कहते हुए ही हैड स्कोर्ड ऑफ हिम, कि वह उसे दे दिया है, उसे छोड़ दिया है, एंड इस तरह की बातें करते हुए वह इस चीज़ को सफाई देने की कोशिश करता है, और यह स्टेटमेंट है फ्रेंड्स मिस्टर जोन्स का। हु फाइंड्स द सिगरेट बॉक्स ही इज लुकिंग फॉर इन द हाउस ऑफ मिस्टर जोन्स, कह रहा है कि कौन पाता है उस सिगरेट बॉक्स को तलाशते हुए, किसके? मिस्टर जोन्स के घर में, तो स्नो है, और स्नो कौन है? एक डिटेक्टिव है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट स्नो जो है एक डिटेक्टिव है, और XP डिवीजन में वह मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स में है, यानी मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स में वो एक डिटेक्टिव है, और XP डिवीजन में वह काम करता है। हु बिलीव्स दैट जैक्स इन्वॉल्वमेंट इन द केस इज एन इन्वेंशन ऑफ जोन्स, कौन बोलता है कि जैक के मामले में शामिल होना क्या है, जोन्स का एक आविष्कार है? तो मिसेस Barthwick बोलती हैं, Barthwick वही हैं, जैक Barthwick की माता जी हैं, और उसके पिता का नाम जॉन Barthwick है। हु इज अनविलिंग टू अपीयर इन कोर्ट, कौन नहीं चाहता था कि मतलब उसे कोर्ट में अपीयर होना पड़े, तो वो है जैक Barthwick, जो रियल में उस महिला से पर्स छीना था। हु इज एनेक्सियस, कौन चिंतित है कि डिटेल्स शुड नॉट गेट इन टू द पेपर, कहीं जो कागज़ का जो ब्यौरा है ना, जो चोरी का हिसाब किताब है ना, वो कहीं कागज़ में ना आ जाए। गार्जियन को हमेशा इस चीज़ का प्रभाव रहता है कि मेरे बेटे का नाम कहीं पुलिस थाने में नाम आ जाए। इस तरह की चीज़ें जॉन Barthwick को चिंतित करती हैं, यही बात बोला है इसमें। एक्ट थर्ड ओपन्स इन, कह रहे हैं कि एक्ट थर्ड जो है कहाँ ओपन होता है, तो बता रहे कि लंदन पुलिस कोर्ट एट 1 o'clock, तो कह रहे हैं कि 1 बजे लंदन पुलिस के कोर्ट में, पुलिस कोर्ट में यह ओपन होता है एक्ट थर्ड। 31 की बात करते हैं फ्रेंड्स। हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स इन द कोर्ट, यानी दरबार में, कोर्ट में कौन यह लाइन बोलता है कि दीज क्वेश्चन आर हार्डली टू द पॉइंट, कह रहा है कि यह प्रश्न जो है ना बहुत ही उस बिंदु तक मुश्किल से जाता है, द प्रिजनर हैविंग एडमिटेड, प्रिजनर जो है ना वो स्वीकार कर चुका है कि ही हिमसेल्फ डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग, कि वह उसे कुछ भी नहीं पता है। देयर इज ए स्माइल ऑन द फेस ऑफ जस्टिस, जो न्याय जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। इट इज़ केस ऑफ ब्लाइंड एंड लीडिंग द ब्लाइंड, इसका मतलब है कि अंधे द्वारा अंधों का नेतृत्व किया जा रहा है, या बात बोला जा रहा है रोपर के द्वारा। रोपर एक वकील है, सॉलिसिटर है, यह भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से ध्यान रखिएगा द सिल्वर बॉक्स। हु कंटिन्यू टू आस्क जैक, जैक से कौन पूछता रहता है कि ही टुक अवे द पर्स, कि उसने पर्स को ले लिया है, बट हिज क्वेश्चन इज क्वाइटली पास्ड ओवर इन द कोर्ट, लेकिन उसके प्रश्नों को क्या कर दिया जाता है, पास्ट ओवर कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है उसके प्रश्नों को। तो कौन बोलता रहता है कि जैक जो है वास्तव में उसने पर्स लिया था, तो वह है मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स बार बार बताता है कि रियलिटी में मैंने तो जैक के घर से पर्स उठाए हैं, सिल्वर बॉक्स उठाए हैं, लेकिन यह तो उस महिला से छीना है, ये बार बार बोलता है। आगे है नंबर 33 की बात करते हैं फ्रेंड्स। हु टेल्स जोन्स, जोन्स से कौन बोलता है कि योर
कंडक्ट यानी तुम्हारा आचरण हियर हैज़ बीन मोस्ट इम्प्रॉपर, तुम्हारा जो व्यवहार है आचरण है वो बहुत ही अनुचित था। यू गिव द एक्सक्यूज, तुमने क्या दिया है, एक्सक्यूज दिया है या देते हो, तुम एक्सक्यूज देते हो कि यू वेयर ड्रंक, तुमने पी लिया था, व्हेन यू स्टोल द बॉक्स, तुम बार बार इसको माफीनामा के तौर पे ले रहे हो कि तुमने पिया था जब तुमने चोरी किया। आई टेल यू दैट, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि इसको एक्सक्यूज नहीं बोलते हैं। इफ़ यू चूज टू गेट ड्रंक, यदि तुमने सबसे पहले पीने की सोची है एंड ब्रेक द लॉ ऑफ अडोरा और कह रहे हो उसके बाद तुमने कानून तोड़ा है तो श्योर है कि तुम्हें क्या होगा, आगे हम पढ़ते हैं, मस्ट टेक द कन्वीन, तो उसे तुमका उसको जो परिणाम है ना उसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, और मुझे बताने दो इस बात को, मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसे जो लोग हैं ना हु गेट ड्रंक, जो नशे के धुत में रहते हैं, गिव अवे टू द स्पाइट, जो द्वेष को क्या रास्ता देते हैं, जो भी हो इट इज़ दैट इन यू, ये तुम में है, तुम्हारी गलती है, जो है क्या बोलते हैं, जो पूरे समुदाय का दुराग्रह है यानी जो नॉइजेंस है वो पूरे समुदाय का है, इस तरह का मैटर तुम्हें नहीं करना चाहिए। और ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स मजिस्ट्रेट का, हु स्पीक्स इन द कोर्ट दिस इज योर फर्स्ट ऑफेंस, कौन बोलता है कोर्ट में ये तुम्हारा पहला अपराध है। आई एम गोइंग टू गिव यू, मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ ए लाइट सेंटेंस, लाइट सेंटेंस मीन्स होता है छोटी सी सजा या हल्की सजा मैं देने जा रहा हूँ, ये तुम्हारा पहला ऑफेंस है, पहला अपराध है, तो मजिस्ट्रेट यह बात बोलता है। विच पनिशमेंट इज गिवन टू मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन्स को कौन सा दंडित दंड मिलता है, तो कह रहे कि वन मंथ विथ हार्ड लेबर, एक महीने में उसे कठिन परिश्रम करके सलाखों के बीच रहना है, ये उसको सजा मिलती है जोन्स को। हु साउट्स, कौन चिल्लाता है इन द एंड ऑफ द प्ले, कहानी के सॉरी नाटक के अंत में कौन चिल्लाता है, कॉल दिस जस्टिस, कॉल दिस जस्टिस मतलब कॉल मीन्स बुलाइए उस जस्टिस को, व्हाट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या है, ही गॉट ड्रंक, वह पिया हुआ है, वो नशे में धुत हो गया है, ही टुक द पर्स, उसने पर्स लिया है, ही टुक द पर्स, उसने पर्स लिया है, और दबी आवाज़ में वो चिल्लाता है कि इट इज़ हिज मनी, या उसका धन है, गॉट हिम ऑफ जस्टिस जस्टिस बोल करके मिस्टर जोन्स अंत में चिल्लाता है और कहता है। हु रोट द बायोग्राफी इन टाइटल द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ जॉन गॉल्सवर्थ, थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पर जो द सिल्वर बॉक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो समाप्त होते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जीवनी की बात कर रहा है अबाउट जॉन गॉल्सवर्थी। तो कह रहे हु रोट द बायोग्राफी इन टाइटल, टाइटल क्या था, द लाइफ एंड द लेटर्स ऑफ जॉन गॉल्सवर्थी जो 1935 में पब्लिश हुआ था, इस बायोग्राफी को किसने लिखा है, एस बी मॉरट ने लिखा है, एस बी मॉरट ने। हु रोट द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव, कम्प्रिहेंसिव मीन्स बहुत ही व्यापक बायोग्राफी किसने लिखा है, द मैन ऑफ प्रिंसिपल 1963 में, किसने लिखा है, तो डूडली बार्कर ने लिखा है, डूडली बार्कर ने लिखा है फ्रेंड्स द मैन ऑफ प्रिंसिपल 1963, ये व्यापक बायोग्राफी है गॉल्सवर्थी का। आगे कह रहे हैं कि हु डिस्कस द लाइफ ऑफ गॉल्सवर्थी इन हिज वर्क पेट्रियट्स, पेट्रियट्स ऑफ लाइफ 1937, तो कह रहा है कि पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट्स ऑफ फ्रॉम लाइफ, पोर्ट्रेट्स फ्रॉम लाइफ जो 1937 है वो फ्रेंड्स गॉल्सवर्थी के जीवन पर है, ये भी एक जीवनी है और लिखा है किसने, फोर्ड मडॉक्स ने। हु रोट द पॉपुलर बायोग्राफी इन टाइटल जॉन गॉल्सवर्थी सर्वे 1929, तो ये लियोन सॉलिट ने लिखा है फ्रेंड, सॉरी हाँ सॉलिट ने लिखा है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखिएगा, सॉलिट, लियोन सॉलिट, और फेमस बायोग्राफी है जॉन गॉल्सवर्थी सर्वे 1929। हु रोट अ वेरी पॉपुलर वर्क ऑन गॉल्सवर्थी इन टाइटल फॉर सम वी लव, लव्ड एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ एडा एंड जॉन गॉल्सवर्थी 1956, इस टाइटल से किसने लिखा है पॉपुलर वर्क, तो है आर्यच मोट्रेम ने। गॉल्सवर्थी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, फिर आ गया तो कह रहा है कि द इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय में असमानता देखने को मिलता है द सिल्वर बॉक्स में। इन विच प्ले गॉल्सवर्थी डिजायर, यानी किसमें गॉल्सवर्थी डिजायर में शिक्षा रखते हैं, टू वायर मिस केविना ए विल ऑफ अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारों के, बेरोजगारों की बुराई से बचने की इच्छा रखते हैं, बेरोजगारों की बुराई से बचने की इच्छा रखते हैं, और प्लीड्स मीन्स निवेदन करते हैं, पर सिंपैथीज मीन्स सहानुभूति के लिए, फॉर वेफ्स एंड डिरेलेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड सो ऑन, कह रहे हैं कि जो आवारा लोग हैं, वेफ्स लोग हैं, और जो समाज के द्वारा त्यागे गए लोग हैं उनको क्या करता है, उनके लिए सिंपैथी प्लीड्स करता है, वो कौन सा ड्रामा है, तो सिल्वर बॉक्स है। इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स द रेफर्स टू, तो जो सिल्वर बॉक्स है वो एक सिगारेट बॉक्स को रेफर करता है, संदर्भित करता है, जॉन वर्थविक, जैक वर्थविक, जोन्स, मिसेस जोन्स जो भी हैं वो सिल्वर बॉक्स के क्या हैं, एक फेमस कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा आपको जानना चाहिए रोपर, रोपर भी एक सॉलिसिटर है, और एक स्नो है इसमें जो डिटेक्टिव का काम करता है, एक्स बी डिवीजन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स में एक डिटेक्टिव का काम करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।